गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी लोग का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी का मैं ब्लॉग का शुरुआत कर रहा हूँ अपने होटल से। अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो परसों वाला वीडियो देखा होगा तो वही इंडिया पाकिस्तान मैच मजा आ गया, काफी लोगों से मैं मिला। अगर अभी तक आप लोगों ने वो मैच वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देख लेना। अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और श्रीलंका में स्पेशली हम लोग बस मैच के लिए आए थे। मैच देखना हो गया अपना, हम लोग आज निकल जाएंगे कोलंबो के लिए, फिर कोलंबो से अपना फ्लाइट। वैसे है काफी ये हेरिटेज टाइप का होटल। ऑलराइट, तो खाने का तो काफी सारा ऑप्शन था लेकिन सुबह सुबह नाश्ता बताया तो उतना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने ये दो एग होपर्स ले लिया। मेरे को ये काफी अच्छा लगता है। और हाँ, सीनी शाम्बल के लिए मैंने बोला था तो वो भी वो दे जाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो उसके साथ मुझे खाने में काफी अच्छा लगता है इसको। चलो जी, फाइनली हमारा चेकआउट हो गया है होटल से। ये अपना कार भी आ चुका है। चलो जी, यही अपना कार है। एक्चुअली इसको बुक हम लोग इसलिए भी करते हैं ना, इतना बड़ा कार है, पूरा फैमिली आ जाए इसमें। तो चलो जी, फाइनली अभी हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके हैं और ये देख लो, निकलते ही सबसे सामने हम लोग को दिख गया कैंडी लेक, लेकिन हम लोग कहीं भी नहीं गए क्योंकि ये सब कुछ हमारा घूमा हुआ है। कैंडी लेक हो गया, तो टेंपल हो गया। और आज भी देख लो जबरदस्त बारिश हो रहा है। तो अभी सुनने में आया है, हमारा ड्राइवर बता रहा है कि जितना भी मैच था कैंडी में, जो भी मैच होने वाला था, सब स्विच होके हेम्बन टोटा साइड में चला गया है। अब सारा मैच उस वाले साइड में होगा क्योंकि इस वाले साइड में ना बारिश वाला सिस्टम खत्म ही नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई। कोलंबो भी जा सकते हैं, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, देखते हैं। कोलंबो निगोम्बो कहीं भी होगा चले जाएंगे। निगोम्बो एक्चुअली क्या है ना, एयरपोर्ट के एकदम पास में, इसलिए हमारा प्लान था। क्योंकि देखो, घूमना तो अब है नहीं, घूमना तो ऑलरेडी हमारा हो चुका है, इसलिए सोच रहे निगोम्बो में स्टे कर ले। अगर घूमना होता तो कोलंबो में स्टे करते, कहीं जाते हैं। ये देख लो, फर्स्ट टाइम मैं इधर आया था बाई ट्रेन, अपने ब्लॉग देखा होगा। अगर नहीं देखा है कोई बात नहीं, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। मेरा श्रीलंका सीरीज चेक करना, आपको पता चल जाएगा। नजारे देख लो भाई साहब, मेरे को पता नहीं था कैंडी में भी इतना खूबसूरत नजारा है, बहुत बढ़िया। और वो देख लो, वो जो है ना सिगिरिया रॉक की तरह लग रहा है जो सामने दिख रहा है ना, इसको कुछ बतले गले बोलते हैं ऐसे। बहुत बढ़िया बढ़िया नजारा दिखा, इसलिए यहाँ रुक गए थे हम लोग। लो जी, अभी हम लोग वैसे तो जा रहे हैं कोलंबो या फिर निगोम्बो के लिए, अभी भी कोई डिसाइड नहीं है। और यहाँ हम लोगों ने अभी लिया लंच ब्रेक। ये मेरा फेवरेट कुत्तू है, कुत्तू बहुत अच्छा लगता है। और ये इसका सूप, तो वही सबको मिल के हम लोग खा रहे हैं। चलो इसको कम्प्लीट करते हैं फिर निकलते हैं। और वैसे देख लो बाहर, अभी भी वो बारिश वाला ही मौसम हो रखा है। ऑल राइट, हमारा लंच हो चुका है और यहाँ जो हम लोगों ने कुत्तू खाया ना, कुत्तू भाई एक नंबर, मजा आ गया। ऐसा कुत्तू मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया था। हाँ जी, तो जस्ट अभी हम लोग निगोम्बो के इस होटल में चेक इन किए हैं। कुछ गोल्डी सैंड्स ऐसा कुछ करके नाम है इस होटल का, बढ़िया है भाई, काफी बढ़िया रूम हमें मिला है। एक काम करते हैं, जल्दी से आपको रूम टूर देते हैं। वैसे काफी लोग, मैं बता दूं, निगोम्बो भी आते हैं और हमारे इस होटल में मैक्सिमम फॉरनर है भाई, पूरा भरा हुआ है पूल एरिया। तो देख लो, जैसे ही आप यहाँ से एंटर करते हो ना, यहाँ तो अपना लगेज रखा हुआ है और इस वाले साइड वार्डरोब है। फिर यहाँ से एंटर करते ही डायरेक्ट ये देख लो रूम स्टार्ट हो जाता है। और व्यू तो भाई साहब एक नंबर है, लेकिन अभी इतना तेज धूप है ना, व्यू शायद आपको दिखेगा नहीं। और बाकी देख लो, यहाँ पे सारा चाय कॉफी बनाने का तामझाम। और इस वाले साइड है वॉशरूम, ये सारा टॉयलेटरीज, यही है देख लो, गोल्डी सैंड्स होटल। इसके अलावा यहाँ पे मिनी फ्रिज है जो कि मैंने चेक कर लिया, खाली है। ये वर्किंग डेस्क जहाँ पे कभी काम होता नहीं है। और यहाँ पे काउच बना हुआ है, आराम से बैठ के लेट जाओ मैं तो। साथ ही आपको बैल्कनी भी मिलता है। बैल्कनी इसलिए मिलता है क्योंकि देख लो, यहाँ से आपको इंडियन ओशन का व्यू मिलता है। ये देख लो, कुछ ऐसा व्यू मिलता है। और साथ ही ना यहाँ से हम लोग को डायरेक्टली एक्सेस है बीच पे जाने का, यही अपना होटल भी है। और ये नीचे देख रहे हो ना, ये पूरा पूल एरिया है। बाकी यही है देख लो, कुछ ऐसे ही रूम है अपना। अभी एक काम करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, मम्मी को भी वीडियो कॉल कर देते हैं कि हम मम्मी पहुंच गए अच्छे से, फिर मिलते हैं एक ही बार इवनिंग में या फिर जब भी अगर कैमरा उठाने का हिम्मत हुआ तभी मिलते हैं। यही अपना आज का डिनर है देख लो, काफी रात हो गया आज डिनर करते करते। हाँ जी, तो सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। रात में हम लोग डिनर करके आए, डिनर में उतना कुछ खास था नहीं। आए फिर भाई मैं अपने एडिटिंग में लग गया, अभी सुबह सोकर उठा हूँ मैं। और उठते उठते इतना लेट हो गया ना, देख लो अपने फ्लाइट का भी टाइम हो गया। फटाफट हम लोग गए थे, भागे, ब्रेकफास्ट किए, अभी रूम आए हम लोग, जल्दी से सारा सामान पैक करके फिर से निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। हाँ जी, आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया चेन्नई। और एक बार देख लो कुछ ऐसा नजारा है, सामने में ही बीच है। और रात में भाई साहब इतना भयंकर हवा चल रहा था ना, पता नहीं क्या था सीन। सुबह तो सारा ये जो छतरी वगैरह ना सब कुछ बिखरा हुआ था, फिर वापस से देख लो सब कुछ ठीक कर दिया गया। और यही अपना होटल रूम था देख लो, बढ़िया रूम था, खाना मजा नहीं आया इस होटल का वैसे। तो ये अपने होटल का पूल एरिया है और हमें कभी मन ही नहीं करता है पूल में जाने का। और रात में जो आया भाई साहब, अलग ही भयंकर तूफान था वो। लो जी, अभी हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, आज मैं पीछे ही बैठ गया हूँ। वैसे यहाँ से जो एयरपोर्ट है ना, मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट लगेगा हमें। श्रीलंका लगता है ना नॉर्मल, जैसे इंडिया में ही कहीं मैं जर्नी कर रहा हूँ, ऐसा मेरे को लगता है। लगता है मैं गोवा में जर्नी कर रहा हूँ,
मेरे को श्रीलंका ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि भाई बाहर है, इंडिया से बाहर है, ऐसा कुछ नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है ना चेन्नई से गोवा ज्यादा दूर होगा, लेकिन देखो श्रीलंका कितना सामने है। 45 मिनट का 35 मिनट का फ्लाइट होता है। अभी जाते हैं एयरपोर्ट, एक ही बार ये वीडियो को एयरपोर्ट पहुंच के कंटिन्यू करते हैं। फाइनली अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए और इन्होंने देख लो मस्त हमें बाय 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 और इन्होंने मस्त हमें देख लो यहाँ का फेमस कोत्तू होता है ना वो भी पैक करवा के दिया यार, मजा आ गया। फाइनली हमारा इमिग्रेशन चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया है डन। हम लोग को लग रहा था काफी लेट हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास आधा घंटा है। चलो ठीक है, आधा घंटा है तो कुछ खा पी लेते हैं। और वैसे आपने देखा होगा मेरा बिजनेस क्लास वाला वीडियो जो कि मैं चेन्नई से कोलंबो आया था। अगर मैं कोलंबो से चेन्नई जाता और अगर मेरा बिजनेस क्लास में टिकट होता ना तो मुझे ये वाला लाउंज मिलता। देख लो ये श्रीलंकन बिजनेस क्लास लाउंज है बाय इनविटेशन ओनली। श्रीलंकन एयरलाइंस का एक अलग से बिजनेस लाउंज भी बना हुआ है, ये काफी बढ़िया है। चलो कोई नहीं, होपफुली कभी नेक्स्ट टाइम लेंगे यहाँ से फ्लाइट तो दिखा देंगे। ये भी प्रॉपर पूरे तरीके से चेक इन हमारा हुआ नहीं है, अभी दो तीन बार और होगा। श्रीलंकन मतलब श्रीलंका में ना थोड़ा अलग ही सिस्टम है, इमिग्रेशन के पहले भी होता है, इमिग्रेशन के बाद भी होता है, एयरक्राफ्ट के अंदर जाने से पहले भी होता है। हाँ जी, तो अभी फ्लाइट में हमारे पास आधा घंटा टाइम था तो हम लोग आ गए थे पिज्जा हट में। ये हम लोगों ने वेज सुप्रीम पिज्जा एक ऑर्डर कर लिया है, चलो इसको फटाफट कंप्लीट भी करना है। उसका गार्लिक ब्रेड भी आ गया था। फाइनली पिज्जा हट से निकलने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गेट के पास। अपना गेट नंबर 14 है। 1:40 में हमारा बोर्डिंग टाइम था और ऑलरेडी अभी 1:40 होने वाला है, बस एक मिनट बचा हुआ है। देख लो भाई, जैसे ही आया गेट पे अपना बोर्डिंग स्टार्ट हो गया था। एक साथ दो दो फ्लाइट का मतलब ये हो रहा है, बोर्डिंग हो रहा है। एक आपका श्रीलंकन एयरलाइन और एक आपका इंडिगो। फाइनली अपना सिक्योरिटी चेक वगैरह दोबारा से हो गया। मैं बताया ना यहाँ पे इमिग्रेशन के पहले भी सिक्योरिटी चेक होता है, बाद में भी होता है। और ये रहा अपना फ्लाइट, इसी से जाने वाले हम लोग इंडिया। ये था छोटा लग रहा है ना, ये अपना गेट है, फिर अपना बोर्डिंग होगा तो फिर जाएंगे हम लोग अंदर। वैसे टाइम हो गया, थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा बोर्डिंग। फाइनली अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है अपना। ऑलराइट, तो इस फ्लाइट का देखो बिजनेस क्लास भी थोड़ा डिफरेंट है, ये एयर इंडिया विस्तारा जैसा है। तो अपना 26 है। ऑलराइट, तो अपने सीट पे बैठ गया हूँ मैं और आज भी देख लो अपना विंडो सीट मिल गया है। श्रीलंका का जर्नी हमारे लिए कैसा हो गया मालूम है, जैसे हम लोग इंडिया में घूमते हैं ना उसे लवली को आपको इंटरेस्ट नहीं है बाहर का व्यू देखने में। अगर वो बोलते हैं कोई नया रूट का फ्लाइट रहेगा तब बैठेंगे विंडो में। चलो बढ़िया है, तो ये वाला विंडो भी हमें मिल गया। अच्छा हुआ हम लोगों ने आते वक्त चेन्नई से बिजनेस क्लास कर लिया था, नहीं तो भाई ये बिजनेस क्लास तो नॉर्मली है जो कि ऑलरेडी आपने देखा हुआ है। और लेग स्पेस देख लो जैसा होता है नॉर्मली वैसा ही है, ठीक है। और सामने की तरफ देख लो एक एयर सिकनेस बैग, और ये अगर आप किसी भी क्रू के साथ कुछ बदतमीजी करते हो तो उसके लिए है, अदरवाइज बाकी तो ये सब है। A320 ये श्रीलंकन एयरलाइन। तो आज हमारा इस एयरबस में जर्नी होने वाला है, देख लो। ये आते ही देख लो मैंने वाटर के लिए बोला तो मस्त एकदम श्रीलंकन एयरलाइन का लोगो भी है ग्लास में। हाँ जी, हमारा जो टेक ऑफ टाइम था ना वो 1:40 का था, अभी देख लो कितना बज रहा है, अराउंड 2 बज रहा है अभी। ठीक है, मैं बोला ना ये लेट वेट कुछ होता नहीं है, इनके पास एक्स्ट्रा टाइम हमेशा से होता है, ये मेकअप हो जाएगा। फाइनली अभी हम लोग टेक ऑफ कर चुके हैं। जय माता दी। राम सेतु अगर दिखेगा हमें तो वो दिखाऊंगा मैं, अदरवाइज देखते हैं खाने का कुछ मिलता है कि नहीं। तो लास्ट टाइम की तरह इस बार भी हमें वही देख लो चीज रैप मिला है, तो यही होने वाला आज का अपना लंच। ये मैं बता रहा हूँ ना, एयर इंडिया में बहुत बढ़िया खाना देते हैं वो, या फिर इनके बिजनेस क्लास में भी बढ़िया खाना सर्व हो रहा होगा। और अभी बस थोड़े देर में आपको मैं दिखाने वाला हूँ राम सेतु, क्योंकि हम लोग वहीं से जा रहे हैं। हो सके तो मैं आपको इंडिया भी दिखा दूंगा, यहीं से दिख जाएगा। हाँ जी, तो अगर आप श्रीलंकन एयरलाइंस के इकोनॉमी क्लास से जर्नी करते हो तो आपको ये एक चीज रैप साथ में ये एक ऑरेंज जूस मिलेगा, इसके अलावा एप्पल जूस का ऑप्शन था। तो देख लो कुछ ऐसा ही रैप है। यहाँ से हमें राम सेतु भी दिख रहा है, मैं ट्राई करता हूँ दिखाने का आपको। नॉट बैड, हाँ बढ़िया लग रहा है। ऑलराइट, तो ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना यही है अपना राम सेतु, और वो सामने की तरफ जो आपको बादल दिख रहा है ना, अभी बादल नहीं था तो इंडिया वाला धनुषकोडी का पार्ट भी दिख रहा था मुझे यहाँ से, लेकिन देख लो यही है अपना राम सेतु। बादल हटता है तो दिखाता हूँ मैं, उस साइड में बादल है देखो, प्रॉपर मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। लो जी, फाइनली हम लोग चेन्नई पहुँच चुके हैं, बस थोड़ी देर में लैंड हो जाएंगे अभी, और 3 से 4 दिनों में वापस से इंडिया आ गए। फाइनली 3 से 4 दिनों बाद वापस से हमारा वेलकम हो चुका है इंडिया में। चलो अब एक ही बार एक काम करते हैं, बैगेज वगैरह रिसीव करके मिलते हैं। लो जी, अभी हम लोग चेन्नई एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। ये रहा चेन्नई का न्यू टर्मिनल है ये, अभी तो ऐसा लगता है चेन्नई अपना घर हो गया है। कुछ दिन पहले पूरी मेरा घर हो गया था, अभी लगता है चेन्नई मेरा घर हो गया है, बैक टू बैक बार बार चेन्नई आना पड़ता है। हाँ जी, तो अभी हम लोग होटल में चेक इन किए, बैग रखे, देख लो भाई कुछ चेंज वेंज कुछ भी नहीं किया, संग संग निकल गए। एक्चुअली जा रहे हम लोग फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल, वहाँ जाकर मुझे कुछ रिसीव करना है, क्या रिसीव करना क्या नहीं
वो भी मैं आपको आने वाले व्लॉग में बता दूंगा। वही देख लो, अभी हम लोगों ने कैब ले लिया है, फिर से जा रहे हैं यहाँ से मॉल। हमारे होटल से अराउंड लाइक 12-15 किलोमीटर दूर है, एकदम एयरपोर्ट वाले एरिया में ही अपना होटल है, क्योंकि कल हमारा वापस से फ्लाइट है गोवा के लिए, तो हम लोग गोवा जा रहे हैं। गोवा से मैं कमाल का ट्रेन जर्नी करने वाला हूँ। वो ट्रेन मेरे को बहुत दिनों से कवर करना था, काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया था जब मैं लास्ट ट्रेन जर्नी किया था, तो तेजस वाला, तो काफी लोगों ने किया था कि मोहित भाई तेजस क्यों किए, इसकी जगह आपको वो ट्रेन करना चाहिए था। तो चलो, अब बहुत लोगों को हिंट मिल गया होगा, अगर नहीं मिला तो कोई नहीं, वो जाके मेरा गोवा वाला ब्लॉग देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। अभी बस ट्रेन जर्नी आएगा, इंडिया में आती है ट्रेन जर्नी। ऑलराइट, तो फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल में, और यहाँ पे जो मुझे रिसीव करना था ना, वो मैंने रिसीव कर लिया है। आपको 10 या 12 दिन में वीडियो में मिल जाएगा उसका, 10-12 दिन ना, नहीं नहीं शायद थोड़ा और दिन, 15-20 दिन समझ के रखो, तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। और जब भी हम लोग चेन्नई के इस फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल में आते हैं ना, एक चीज जरूर खाते हैं, यहाँ का ये जलेबी। बेलपुरी तो खैर चलो ऑप्शनल है, यहाँ का जलेबी एक नंबर, एक नंबर। इसका फेवरेट भी है जलेबी, 90 रुपए का है ना 100 ग्राम, बहुत बढ़िया होता है। ऑलराइट, तो कल तो मॉल से आने के बाद ना मैं तो वही सामान पैकिंग में अपना लग गया था, और जो स्पेशली जिस काम के लिए मैं गया था ना मॉल, वो मैंने रिसीव कर लिया है। मैं तो भाई काफी एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, फिर बताने के लिए, लेकिन यही है अभी अलाउ नहीं है दिखाना, सिंपल सा बात ये बोल सकते हैं। काफी बढ़िया काम है, लेकिन कैसे बताऊं आपको, मैं यही बता सकता हूँ कि उस चीज के लिए हमेशा मैं ड्रीम देखा करता था कि ऐसा होगा ऐसा होगा, फाइनली हो गया। और स्पेशली यही रीजन था, नहीं तो कल ही मेरा प्लान था कि कल ही मैं गोवा निकल जाऊं, लेकिन एक दिन मुझे रुकना था, रुकना क्या था, बस वही मॉल जाके मुझे वो रिसीव करना था। फिलहाल अभी हम लोग देख लो कल ही रूम आ गए थे, पैकिंग वगैरह करने के बाद मस्त सो गए, और अभी सुबह उठे हैं, ब्रेकफास्ट किए हैं। कुछ वैसा खास ब्रेकफास्ट में नहीं था, इसे मैं दिखाया नहीं, वही इडली डोसा यही सभी था। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए वापस से, हाँ जी चेन्नई एयरपोर्ट जा रहे हैं, और हमारा फ्लाइट है अभी स्पाइस जेट का। बहुत दिनों बाद मैं वैसे स्पाइस जेट में जर्नी करने वाला हूँ, और वो भी गोवा का मोपा एयरपोर्ट जा रहा हूँ मैं फर्स्ट टाइम। इससे पहले तो मैं बहुत बार गोवा गया हूँ, लेकिन ये जो गोवा का नया एयरपोर्ट है ना, यहाँ मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो ट्राई करूंगा आपको एयरपोर्ट भी दिखाने का। वैसे मैं बता दूं, हमारा जो एयरपोर्ट ड्रॉप है ना, वो फ्री में हो जाएगा, तो जाते हैं अपना सामान नीचे लेके एयरपोर्ट पहुंचते हैं, फिर एक ही बार वीडियो को एयरपोर्ट से ही कंटिन्यू करते हैं।